हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करना। क्या करना बताओ? नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करना। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद विद इन 5 सेकेंड में नंबर ऑफ आइसोमर पता कर लेंगे। कैसे करेंगे समझे? आपके आपके लिए ना मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, उसको पहले ध्यान दो। आपको पहले लिख रहा हूँ मैं कुछ हाइड्रोकार्बनों के नाम लिख रहा हूँ। CH4 ये होता है मीथेन, C2H6 ये होता है आपका इथेन, C3 कितना होता है बता, H8 ये क्या होता है प्रोपेन, C4H10 ये क्या होता है बताओ ब्यूटेन, C5H12 ये होता है पेंटेन, C6H14 हेक्सीन, C7H16 क्या हो जाएगा आपका हेप्टेन। और अगला है आपका C8H18 ये हो जाएगा आपका ऑक्टेन, एंड सो ऑन करके ऐसा कुछ भी हो। अब सबसे पहले ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, बस वो चीज़ें हैं कि जो मीथेन होता है मीथेन का आइसोमर 1 होता है, जो इथेन होता है उसका आइसोमर भी 1 होता है, जो प्रोपेन होता है उसका भी आइसोमर 1 ही होता है, और जो ब्यूटेन होता है उसके आइसोमर 2 होते हैं। ठीक है, ये होने के बाद आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, 2N-1 वाला ये फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। तो इससे ना आप सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब के आइसोमर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान दें, अगर मैं C5H12 के लिए लिखता हूँ तो इन सब का याद करना है आपको, केवल C5H12 के लिए ये 2 वैल्यू याद करनी है, एन की वैल्यू हो जाएगी। अगर C5H12 के लिए ये वैल्यू रखता हूँ कि 2 × 2 − 1 कर दूँ तो टोटल आ जाएगा 4 − 1 इज इक्वल टू 3। याद रखना C5H12 का 3 ही आता है। उसके बाद C6H14 के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे केस में 2 × 3 − 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ 5, आंसर भी 5 ही होगा। उसके बाद C7H16 के लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी कि 2 × 5 − 1 हो जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9। ठीक है, ऐसे ही C8H18 के लिए आप क्या कर सकते हैं बताओ, n की वैल्यू 9 होगी तो 2 × कितना करेंगे बताओ 9 माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा ये 17, कितना हो जाएगा बताओ 17। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि C9H कितना बताओ, C9H20 अगर दिया हो, इसके लिए आइसोमर निकालिए बोलूँगा तो 9 के लिए कितना हो जाएगा आपका 17 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 2 × 17 माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा 33 आंसर। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी, और अगर समझ में आ जाएगी तो आप शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।